हेलो दोस्तों, नमस्ते। ऋतु रसोई घर में आपकी स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं बोरा का चटनी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ है 250 ग्राम बोरा जिसको मैं धो लिए, और अब इसको उबालना है। ये देखिए इस तरीके होता है। तो मैंने गर्म पानी रखा हूँ, तो चलिए गैस की ओर। इसमें जाएगा ये 5 हरी मिर्च भी साथ में डाल दी। दोस्तों ये हरी लहसुन है जिसको मैं साफ़ करके धो लिया, और इसको अब हम सिलपट्टे में पीसेंगे। और ये 100 ग्राम है तो हम पीसेंगे। दोस्तों ये हरी लहसुन पीस लिए हमने। अब हम थोड़ा बोरा को चेक कर लेते हैं। ये उबल चुका है दोस्तों, गैस को बंद करेंगे। बोरा को हमें ठीक से पीस लेना है। दोस्तों मैंने बोरा को भी पीस लिया, और ये रहा हरी धनिया, हरी लहसुन। और दोस्तों अब कढ़ाई मेरा गर्म है, और इसमें जाएगा मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों का तेल। दोस्तों ये रहा कलौंजी, और इसमें छौंक लगाएंगे। उसके बाद हम सबसे पहले ये लहसुन डालेंगे, हरी लहसुन। ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, उसके बाद ये डालेंगे हम। उसको ये रहा छोटा 1 चम्मच नमक, आप अपने हिसाब से डालिए कम ज़्यादा। दोस्तों ये चटनी पानी तो गया, अब ये इसमें थोड़ा सा कच्चा तेल यानी कच्चा सरसों का तेल ऐड करूँगी, तो खाने में अच्छा फ्लेवर आएगा। ये चटनी बनके रेडी। और मैं इसमें दूँगी कुछ ये हरी धनिया पत्ता जिसको मैं धो के कट लिया। अब इसको मैं प्लेटिंग करूँगी यानी डिश आउट। दोस्तों हमारा बोरा चटनी बनके रेडी है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए। दोस्तों ये गरम गरम चावल के साथ खा सकते हैं, और ये चटनी आप 5-6 आदमी आराम से खा सकते हैं, बहुत टेस्टी है। आप अपने घर में एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा दोस्तों। और इसको आप मिक्सर में भी पीस सकते हैं। और अगर आप चैनल में नहीं है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि अगली नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए। हम एक हर रोज़ एक वीडियो डालते हैं, वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा। तो प्लीज़ हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, आज की वीडियो यहीं तक।